कोई भी क्रोध करे, ईविल बातें बोले, तो ऐसे टाइम पर कान में पट्टी बांध दो। क्या करो? हियर नो ईविल। कोई जवाब नहीं देना है। टॉक नो ईविल। परंतु इतनी ताकत तो कोई कोई विरले में होती है। जिनकी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान समाया हुआ रहता है, नहीं तो क्रोध वालों की शिकल तो जैसे टांग ही हो जाती है। ये क्रोध का भूत है, फिर भी मेहनत कराते करते स्थापना तो हो ही जानी है। ऐसे भी हैं जो ये दुनिया नरक है, पुरानी दुनिया है, ये बात समझते ही नहीं है। इसलिए कहा था लिखो ऊपर में कि जो इस षष्ठी चक्र को नहीं जानते हैं वो फर्स्ट क्लास इडियट है। जानना चाहिए ना कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सतो प्रधान युग कौन सा है और भ्रष्ट से भ्रष्ट तमो प्रधान युग कौन सा है। नाम ही देते हैं सत्य युग, तो सत्य का युग है तो सतो प्रधान होगा या तमो प्रधान होगा, उसकी भेंट में कलयुग को कहेंगे तमो प्रधान। परंतु कहां ये बातें लिखते हैं और कहां भूल जाते हैं। माया बड़ी प्रबल है। बाप भी कहते हैं जब मैं आता हूं तब अपना परिचय देता हूं, कब आता हूं है 36 में आता हूं या नहीं आता हूं है 36 में आता हूं कि नहीं आता हूं। 36 में आता तो हूं, तीन मूर्तियों के रूप में आता हूं, परंतु कोई भी जान नहीं सकते हैं। जैसे गर्भ में बच्चा आता है तो कोई जान सकते हैं क्या? नहीं जान सकते हैं। ऐसे ये भी ज्ञान गर्भ है। फिर बच्चा जब बाहर आता है तो जाना जाता है। इसलिए बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भी मनाया। कौन सा वर्ष? 76। तो बाप बाप के रूप में जब आते हैं तब अपना परिचय देते हैं। कहता हूं मैं स्वर्ग की स्थापना करने आता हूं, नाम क्या रखा? जो स्थापना करने आता हूं उसे स्थापना का नाम क्या रखा? स्वर्ग। कौन कौन से शब्द हैं? स्व
और ग स्व माने आत्मा, ग माने गया अर्थात आत्मिक स्थिति में गया तो स्वर्ग में गया। देवान में है तो नरक में है। यह आत्मिक स्थिति की शुरुआत पहले स्थूल रूप में होगी या मनबुद्धि में होगी? मन बुद्धि के द्वारा आत्मिक स्थिति की शुरुआत होती है। दुनिया का हर काम पहले सूक्ष्म में होता है, बाद में स्थूल रूप धारण करता है। मकान बनावेंगे, पहले बुद्धि में नक्शा आवेगा, फिर कागज में बनावेंगे, बाद में स्थूल मकान बनाया जाता है। ऐसे ये स्वर्ग की स्थापना का काम भी ऐसे ही है। इतना समझाता हूं तो भी इस निश्चय में बैठ नहीं सकते हैं। किस निश्चय में? कि हम आत्मा हैं। फिर समझा जाता है कि नंबरवार राजधानी स्थापन होनी है तो समझने वाले भी नंबरवार होंगे या एक जैसे आत्मिक स्थिति को धारण करने वाले होंगे? है राजधानी में पहले आत्मिक स्थिति कौन धारण करेगा? है प्रजा धारण करेगी, प्रजा वर्ग में जो नंबरवार फर्स्ट क्लास, फोर्थ क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास प्रजा होगी वो आत्मिक स्थिति धारण करेगी या राज परिवार के भांति आत्मिक स्थिति पहले धारण करेंगे? उनमें भी नंबरवार हैं या सब एक जैसे हैं? तो पहले पहले आत्मिक स्थिति कौन धारण करेगा? जरूर कहेंगे कि नई राजधानी का जो राजा होगा वो आत्मिक स्थिति स्वर्ग की अनुभूति पहले करेगा। ये मनबुद्धि में स्थापना की बात है। कोई कोई आज्ञाकारी महारथी होंगे, कोई कम होंगे, कोई ज्यादा होंगे। इसलिए बाप समझाते हैं कि देखा जाता है कि आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार कौन कौन बच्चे बने हैं और कितने बने हैं। ऐसी ऐसी चलन होती है ना, कि कोई अच्छे आज्ञाकारी देखने में आते हैं, कोई अवज्ञाकारी देखने में आते हैं, कोई ईमानदार देखने में आते हैं, कोई बेईमान देखने में आते हैं। कोई वफादार और कोई बेवफा बन जाते हैं। ऐसी ऐसी चलन तो होती है ना। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, तो इसमें मेहनत तो करनी पड़े ना।
बिल्कुल देह अभिमान न हो। तुमको समझाया है कि तुम देह तो नहीं हो ना, तो अपन को आत्मा समझो और फिर परमात्मा बाप को याद करो। मित्र संबंधी होते हुए भी परमपिता परमात्मा को याद करते तो हो ना। वो है परमात्मा, इस संगम युग में परम पाटधारी है। उनका नाम क्या रखा हुआ है? है जो संगम युग में परम पाटधारी है उनका नाम एक ही तो नाम है, क्या? शिव अर्थात कल्याणकारी। नाम किस आधार पर रखा जाता है? माना वो जो भी काम करते हैं वो काम कैसा भी काम हो, इंद्रियों से ही काम किया जाता है, उसका रिजल्ट कल्याणकारी होगा या अकल्याणकारी होगा? कल्याणकारी ही होता है। तो अभी उन कल्याणकारी बाप की मत पर चलना है। उस आत्मा का नाम शिव है, वो शिव जिस देह में प्रवेश करते हैं उस देहधारी का नाम शिव नहीं है। समझ सकते हो कि बाबा आकर के कितनी तकलीफों से सोड़ाते हैं? कब की बात है? तकलीफों से छोड़ाना ये कब का गायन है? मुसलमान भी कहते हैं कि जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। क्या कयामत के समय में दुनिया में तकलीफें बरपा नहीं होंगी? तकलीफें तो बहुत बरपा होंगी। मौत का चारों ओर बाजार खुल जाएगा। परंतु ऐसे टाइम पर भी जो बाप के बच्चे होंगे वो बड़े मौज में रहेंगे। क्यों? है? नहीं, साक्षात्कार तो भक्तों को होते हैं। बाप के बच्चे तो ज्ञानी होते हैं। जो बाप के बच्चे बनकर रहेंगे उनको कोई भी तकलीफ महसूस नहीं होगी। नहीं तो देखा जाता है दुनिया में कितना फालतू खर्चा होता है। खर्चा करते करते सभी पैसे खलास हो गए। भक्ति मार्ग में भक्ति करते करते भारत कंगाल हो गया। कर्जा ही मांगते रहते हैं। भिखमंगा भारत बन गया।
ज्ञान से आबादी हो जाती है। भक्ति मार्ग के अज्ञान से बर्बादी हो जाती है। पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं और सदा सुहागिन बन जाते हैं, और स्त्री सदा सुहागिन बनती है तो पुरुष तो अंडरस्टूड है। वो दोनों ही अमरपुरी में रहने वाले हैं, काल पर भी जीत पा जाते हैं। और वहां नई दुनिया में तो काल होता ही नहीं है। वहां रुलाने वाला रावण ही नहीं होता, क्योंकि तुम सब फूल बन जाते हो। हां, फूलों की वैरायटी जरूर होती है। दिल्ली का मुगल गार्डन मशहूर है, तुम अहिंसक हो, योग बल से अहिंसा परमो धर्म की स्थापना करते हो। ये मुगल आदि तो सभी हिंसा करते रहते हैं कितना विकार में जाते हैं। तुम विकार में नहीं जाते हो तो तुम देवताएं बनते हो, अहिंसक, और वो है हिंसक। परंतु तुम बच्चों को अहिंसक बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा भी इस बात को समझ सकते हैं। इस समय दिल्ली में म्यूजियम में सबसे जास्ती सर्विस है। कहां से म्यूजियम की शुरुआत होती है? एक है जड़ चित्रों का म्यूजियम और एक होता है चैतन्य चित्रों का म्यूजियम। कब से नई दुनिया का फाउंडेशन होना शुरू होता है? है बोला है, नई दुनिया का फाउंडेशन जब पड़ता है तो उस नई दुनिया में तुम बच्चों का भी आना जाना होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये म्यूजियम और भी खोलो, तो बहुत आवेंगे। अखबारों की मत पर भी बहुत चल पड़ते हैं, फिर उन अखबार पढ़ने वालों से एक एक से मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करते हो तभी उनकी बुद्धि ठीक होती है, और तुम मेहनत करने वाले कितने थोड़े हो। मेहनत करके फिर जीत पाते हो। बाकी जो पुरुषार्थ करने की मेहनत ही नहीं करते, सर्विस ही नहीं करते, वो सब विनाश हो जावेंगे। तुम बच्चों को तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों?
वो खुशी का क्या कारण है? तुम्हारी खुशी का कारण है मिर्वा मौत मलू का शिकार। मिर्वा जानवर को कहा जाता है। ऐसे जानवर बुद्धियों की मौत हो जाएगी जो ईश्वर और ईश्वर के ज्ञान को समझते ही नहीं है। और तुमको शिकार मिल जाएगा। नई दुनिया तुमको मिलेगी। और जिनको ऐसा शिकार मिलता है वो तुम बच्चे कब हिलते नहीं हो। कोई भी डर की बात नहीं। क्या तुम्हारे शहर का नाम क्या है? हैदराबाद। ये कैसे है? डर आबाद होना चाहिए या डर की बर्बादी हो जानी चाहिए? है किनके लिए हैदराबाद? है मुसलमानों के लिए हैदराबाद या तुम बच्चों के लिए है हैदराबाद? मुसलमानों के लिए हैदराबाद। तुम्हारा तो अखंड भारत स्थापन होना है, है? हाँ, भाग्यशाली हो ना।